नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम पारीक, आप देख रहे हैं टेकमैन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब क्या है, मतलब डार्क इंटरनेट के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी हम जितने भी गूगल क्रोम वगैरह जितने भी वेब ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, ये सभी सरफेस वेब के लिए बने हैं। तो डार्क वेब क्या है और सरफेस वेब क्या है, इसके डिफरेंस भी बताऊँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पूरा इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हर रोज़ मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन डिफरेंस यहाँ आता है कि जितने भी सरफेस वेब वाली वेबसाइट है, सरफेस वेब कौन सी वेब होती है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन रहता है, मतलब क्लियर रहता है कि ये काम कर रहा है, ये काम करता है, उसको सरफेस वेब कहा जाता है। उसके बाद आता है डीप वेब, जो कि मोर देन 80% डीप वेब है। उसके बाद 20 से कितनी 17-18% डार्क वेब है। तो टोटल मिला के अगर आप देखें तो 96% डार्क वेब और डीप वेब है और 4% सरफेस वेब है। तो सोचिए, हम इंटरनेट इतनी इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ 4% इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए 96% अनडिस्कवर है अभी भी। तो उस 96% में क्या क्या होता है और वो 96% में क्या क्या है, मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहली बात जो यहाँ पे सामने आती है, इसके जो लास्ट में .com, .in, .uk ये सब लगता है .org सरफेस वेब के लिए। और जब आप डार्क वेब को एक्सेस करेंगे तो आपके डोमेन के पीछे जो एक्सटेंशन आएगा वो होगा .onion, तो उसको हम लोग .onion साइट्स भी कहते हैं। तो .onion साइट्स ओनली डार्क वेब के लिए बनी होती है, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। और उस डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। तो अभी मैं बताता हूँ टिप्स कैसे आप डार्क वेब में एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सेफ्टी की भी बहुत इम्पोर्टेंस आती है उसके भीतर, और वो सेफ्टी है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बारे में अभी पूरे विस्तार से नहीं बता सकता, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ ये किस लिए यूज़ होता है। तो ये ऐसा शील्ड बनाता है हमारे इर्द गिर्द, ताकि कोई और हम पर अटैक भी ना कर पाए और हमारे ID को जान ना सके। अल्टीमेटली हम कहें तो हमारे ID को एनोनिमियस कर देता है, मतलब हमारे ID को किसी को पता नहीं चलता कि हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं और हम इस वेबसाइट में जा रहे हैं। तो उसका VPN का ये फ्यूचर है। तो आपको इसकी लिंक भी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेस्ट लिंक, वहाँ से डाउनलोड करें और VPN को ऑन करें। अब सेकंड स्टेप आता है VPN ऑन करने के बाद, वो है टोर ब्राउज़र, जो कि स्पेशली डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही अच्छा ब्राउज़र मानता हूँ मैं। तो उस ब्राउज़र की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो और सबसे उसके बाद आता है आपको सर्च करने की बारी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप डार्क वेब में जा रहे हैं तो सेफ्टी के लिए आप VPN है, पर मानता हूँ VPN आपकी सेफ्टी करेगा, पर आपकी जो फ्रंट कैमरा जो है आपकी मोबाइल या आपके किसी भी लैपटॉप या किसी भी डिवाइस की कैमरा या ऑडियो या माइक, तो उन सबको प्लीज़ ब्लैक टिप से कवर करके रखें, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है फिशिंग, आपको मैं इसके लिए मैं हैकिंग के लिए ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके भीतर बताऊंगा फिशिंग क्या है। तो फिशिंग होने के चांसेस रहते हैं, फिशिंग मतलब एक फ्रॉड होता है, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। जिससे समझ लीजिए आप करें आपका फेसबुक ID लॉगिन, ये तो कभी भी मत कीजिएगा, मैं आपको बता दूं। अगर डार्क वेब में एक्सेस कर रहे हैं तो आपकी कोई भी ID बैंक अकाउंट कभी भी ऑन मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है और डार्क वेब की खतरनाक स्टोरीज भी है, आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको बहुत सारी मिलेगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ डार्क वेब के एक एडवांटेज भी है, अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है डार्क वेब। तो डार्क वेब के लिए ये बेस्ट ऑप्शन तो है, पर आपको सेफ्टी भी पूरी रखनी होगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इतनी देर से। तो इतनी देर में आप डार्क वेब का एक्सेस करना भी सीखे, तो मैं आपको बता दूँ डार्क वेब बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, बहुत सारी अनडिस्कवर्ड है। तो डार्क वेब में अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है ये भी आपको जानना जरूरी है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। मैं उसका एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा, ज़्यादा तो दे नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। मैं एक दे दूँगा ड्रग डीलिंग और हैकिंग वेबसाइट हैकिंग या कुछ भी, मतलब उल्टा काम जो होना नहीं चाहिए, जो इलीगल काम होते हैं वो सारे डार्क वेब में होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जितना हो सके आप ना जाए डार्क वेब में। अगर आप हैकिंग से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसी डिवाइस में पूरा सिक्योरिटी के साथ
डिवाइस सिक्योरिटी ऑन करके उसके बाद ही जाएं, और उसके बाद आप डॉट ओनियन साइट्स में एंटर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, कभी भी आप पर हैकिंग अटैक हो सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि डार्क वेब आपके लिए नहीं है, मतलब आप जो कर रहे हैं आप जस्ट अगर देखना चाहते हैं तो आपके लिए शायद मुझे नहीं लगता इतना यूज़फुल होगा। पर डार्क वेब को मैं आपको जानना इसलिए चाहता था कि क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि इस इंटरनेट में कितनी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अर्थ कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर, ये हमें बताया जाता है बचपन में। वैसे ही इंटरनेट में हमें इस चीज़ के बारे में खुद ही मैंने रिसर्च किया, ये कैसे आया, ये कहाँ से आया। तो अगर मैं आपके साथ ये शेयर नहीं करता हूँ, तो बाई चांस अगर आप डॉट ऑनियन वेबसाइट में चले जाते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप डार्क वेब में एक्सेस हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, सिंपल डार्क लास्ट में डॉट ऑनियन लगा हुआ रहेगा, वही समझ लीजिए आप डार्क वेब में आ गए हैं। और उसकी वेबसाइट्स भी काफ़ी क्रिटिकल टाइप की होती है, मतलब नाम थोड़ा अजीब टाइप का होता है ताकि कोई देख ना सके, समझ ना सके। तो उम्मीद है आज आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और समझे होंगे मेरी इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर रोज टेक्नोलॉजी से वीडियोज़ डालता रहता हूँ। थैंक यू।